बैठक बहुत अच्छा रहा। समीक्षा बैठक में हर विभाग का हर योजना का गहराई से जानने का हम लोग प्रयास किया। आर हर योजना समय पर पूरा हो, यही सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ा ताकि जो हमारा महागठबंधन की सरकार है ২০১৯ में जो जनादेश प्राप्त करके हर तरह की परिस्थिति को हम लोग देखते हुए राज्य का हित में बहुत बढ़िया हम लोग योजना अंतिम व्यक्ति तक हम लोग पहुंचाने का काम किया। जो जंगल के बीच में गांव है और उस गांव को किस तरह से हम लोग सरकारी योजना पहुंचाएंगे उसमें भी हम लोग सफल रहा। और उसी आपकी योजना आपकी सरकार आपकी योजना आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से जो जनता के बीच से जो हम लोग समस्या या ग्रामीण क्षेत्र का चाहे शहरी क्षेत्र का सारा समस्या का जानने का प्रयास के बाद उसका अनुकूल हम लोग योजना बनाया। आज योजना हमारा धरातल या अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा और उसको और गति देने का और कुछ समीक्षा बैठक में हर विभाग का विधि विभाग से लेके हर विभाग को हम लोग अच्छा से बारीकी से हम लोग समीक्षा करके और ये निर्देश विभाग को भी दे दिया गया ताकि समय पर सब योजना काम हो समय पर पूरा हो, यही आज हम लोग निर्देश दिया। मुख्यमंत्री जी, किसानों को लेके जो कर्ज माफी था उसको लिमिट को बढ़ाने जा रहे हैं, उसको लेके क्या तैयारी आप लोगों को? वो भी हम लोग समीक्षा किया, कृषि विभाग किसानों के प्रति भी किसानों को किस तरह से हम लोग और उसको मजबूत बनाएंगे, सुखाड़ जैसा समस्या से कैसे हम लोग उसको बचाएंगे, उसके लिए हम लोग इरिगेशन को बढ़ावा दे रहा है। हम हर जगह जहाँ जहाँ से डैम हो नदी हो उस जगह से लिप के माध्यम से खेती को 12 महीना हम लोग पानी पहुँचा देंगे और उनका साथ जो भी खेती करने का सामग्री उसको भी हम लोग उपलब्ध करेंगे। ऐसे सारी बात ताकि ऋण भी जो हम लोग 2 लाख तक के वित्त में आप करने जा रहा है उसका साथ उनको उठाने के लिए भी हम लोग सोच रहा है ताकि वो अपना पैर से खड़ा हो सके। दादा, योजना जो ड्रीम प्रोजेक्ट है सरकार का, उस दिशा में और तेजी से चीजें बढ़े उसको लेकर कुछ दिशा, उसका भी हम लोग सारा चीज हम लोग कर दिया है कि हमारा जो अब आवास बहुत महत्वाकांक्षी योजना है उसको भी हम लोग गति देने का हम लोग चर्चा किया। अब बहुत गहराई से हम लोग समीक्षा किया उस सारा चीज को। न्यूट्रिशन को लेकर के कई जिलों में रिपोर्ट आई थी जो काफी संख्या में लंबी थी। सारा चीज हम लोग दिया, जमीन रजिस्टर होने के बाद न्यूट्रिशन क्यों लंबा हो रहा, क्यों समय दे रहा है, जो नियम तो उसको इतिहास निकलता है, कोई किसी तरह का अगर शिकायत तो 1 महीना समय रहा, उसके बाद उसको आगे बढ़ना चाहिए। वो सारा चीज हम लोग देखते, उसको भी हम लोग निर्देश दिया कि कोई भी म्यूटेशन के काम में किसी तरह का लेट ना हो, जो नियम अनुसार जो बनता है उसी हिसाब से म्यूटेशन किया जाए। अच्छा, कई अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं हुई, आपने ही
मार्च के महीने में नियुक्ति पत्र का वितरण किया। वो छोटा समस्या उसको तुरंत हल हो जाएगा दादा, गर्मी के बीच परेशान दादा, गर्मी के बीच बिजली की व्यवस्था चरमराई हुई है, रात में अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं, काफी दिक्कत। ऐसा कोई शिकायत बीच में नहीं आया, आने से हम लोग उसको भी देख लेंगे।